नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीप बार स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर क्या होती है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है। इससे पिछले वीडियो में अपने टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर का वर्गीकरण चला था, मतलब कि इंडक्शन मोटर के प्रकार चल रहे थे। प्रकारों में मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन मोटर चार प्रकार की होती है। वैसे देखा जाए दो प्रकार की, एक स्क्वायरल केज और एक इंडक्शन मोटर। क्या बताया था? एक स्क्वायरल केज बताया था, जैसे इंडक्शन मोटर की बताई थी मैंने आपको। इंडक्शन मोटर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर कितने स्वरूप थे? दो स्वरूप थे। आपको मैंने आपको बताया था, एक था स्क्वायरल केज और दूसरा था स्लिप रिंग। और इसके मैंने आपको तीन प्रारूप बताए थे। कितने बताए थे? तीन बताए थे। एक सिंगल केज बताया था, आपको ध्यान होगा, और एक डबल केज बताया था, और एक डीप बार केज बताया था मैंने आपको। डीप बार केज, तीन मोटर बताए थे और एक मोटर ये चल रही थी। चार मोटर बताई आपको हमने कि इंडक्शन मोटर प्राथमिक रूप से दो प्रकार की होती है, फिर ये तीन, ये स्क्वायर केज तीन प्रकार की होती है और ये एक प्रकार की है। तो इन दोनों मोटरों का अध्ययन कर लिया था पिछली वीडियो में और अच्छी तरह संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। एक एक पॉइंट टू पॉइंट संरचना और रोटर के आधार पर देखा था किस मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रारंभ टार क्या होता है, धारा का मान कितना, सब बताया था आप लोगों को। लेकिन एक मोटर ये बच चुकी थी यहाँ पे और एक मोटर आज पढ़े। आज इन दोनों मोटरों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से पढ़ेंगे कि परीक्षा में, एग्जाम में आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखेंगे और जो आने की संभावना रहती है उनको भी देखेंगे, ताकि आपके मन में इस वीडियो के प्रति या इस मोटरों के प्रति किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आज क्या देखेंगे कि स्लिपिंग मोटर में डीप बार इंडक्शन स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर क्या होती है और स्लिपिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है। दोस्तों, स्लिपिंग मोटर मान लो या डीप बार मान लो, मोटर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि इस वीडियो से या इस मोटर के प्रति ऐसा कोई कन्फ्यूज आपके दिमाग में न बच जाए और आप उसमें उससे अनजान रहे कि सर हमें आता नहीं है। तो इसलिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के कारण आप वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना ताकि आपका संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि डीप बार के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि स्क्वायर के इंडक्शन मोटर का अध्ययन पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डीप बार इंडक्शन मोटर क्या होती है, क्यों इसको डीप बार कहते हैं और स्क्वायर केज क्यों कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे डीप बार स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तीन फेज इंडक्शन मोटर। ये देखेंगे इसको हिंदी में क्या कहेंगे। अब देखो हिंदी सब प्रॉब्लम बताता हूं। देखो हिंदी डीप का मतलब गहरा नुमा आता है, गहरी छड़ नुमा, गहरी क्या की बार का मतलब छड़ होता है, गहरी छड़ नुमा गिलहरी पिंजरा पिंजरा प्रेरण मोटर, ये इसका हिंदी शब्द है, गहरी छड़नुमा गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा रेफरेंस के लिए बता दूं, आप लोगों ने दो मोटर पढ़ी, कौन सी? स्क्वायर केज दो मोटर पढ़ी, एक सिंगल केज पढ़ी और एक डबल केज पढ़ी। तो सिंगल केज थी लो स्टार्टिंग टार्क के लिए और डबल केज थी हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए। तो हाई स्टार्टिंग टार्क वाली मोटरें बता दो, या फिर इसको गहरी छड़नुमा होगा डबल केज को, या फिर कहते हैं कि वो हाई स्टार्टिंग अधिक लोड के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये देखो इसमें और अपने वो डबल केज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। हाँ, सिंगल केज में अंतर है क्योंकि सिंगल केज का स्ट्रक्चर टार कमजोर था और एक ही परत प्रयोग की गई थी, एक ही गिलहरी का पिंजरे के समान उसका प्रारूप किया गया था। लेकिन यहाँ गहरी इसमें रहेगा एक ही, लेकिन गहरी छड़नुमा कैसे रहेगी आपको बताता हूँ। देखो इस मोटर का रोटर सिंगल केज रोटर की भांति होता है, सिंगल केज रोटर है उसकी सेम उसकी भांति होता है। इस मोटर का रोटर कौन सेगा? डीप बार स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का रोटर सिंगल केज इंडक्शन मोटर की भांति होता, कोई अंतर नहीं होता है। बस सिर्फ अंतर होता है तो स्लोट की गहराई का होता है। क्या होता है? स्लोट की गहराई का होता है। उसमें बाहरी परिधि पर गोल स्लोट काटे गए थे, ठीक है ना, या फिर वर्गाकार स्लोट काट गई, लेकिन यहाँ कुछ गहरी गहरे स्लोट काटे जाएंगे, बस इतना ही अंतर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा था ना, इसमें क्या लिख सकते हैं कि इस मोटर का रोटर, इस मोटर का रोटर, रोटर कैसा होता है? सिंगल केज मोटर जैसा ही होता है, सिंगल केज रोटर जैसा ही होता है,
मतलब इसमें भी छड़ों की परत एक ही रहेगी। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होते हैं। देखो अब ये स्लॉट गहरे कैसे होते हैं और इन गहरा करने का मतलब क्या था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने रोटर कैसा देखा था, मैं आपको यदि फ्रंट साइड दिखाता हूँ, उसका फ्रंट साइड दिखाऊँ आपको, तो ये तो देख गोलाई में होगा, आपको पता है कोई अंतर नहीं होगा। वही सिलिकन स्टील का होगा, किसका होगा, वही सिलिकन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होगा। क्यों होगा, सिलिकन बनाने का उद्देश्य अपना मुख्य उद्देश्य क्या था कि इसमें हिस्टेरेसिस हानि का मान कम रहे। लेमिनेटेड करने का मुख्य उद्देश्य था कि भंवर धारा हानि का मान का कम करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि लो हानि को मान को कम करने के लिए सिलिकन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को बनाया गया था। अब इसके बाहरी परिधि पर स्लॉट काटे थे, सिंगल केज में आप लोगों ने इस प्रकार के स्लॉट काटे थे, आपको ध्यान होगा। डबल केज में दो स्लॉट काटे थे आपको, ये आपके साफ थे, यहाँ पे डबल स्लॉट काटे थे, यहाँ स्लॉट एक ही रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, गहरा रहेगा, ठीक है ना। यहां स्लॉट कैसा रहेगा, गहरी छड़नुमा रहेगा, ऐसा स्लॉट रहेगा, आप ऐसे स्लॉट रहेंगे यहां पे, ये स्लॉट रहेंगे यहां पे, ये ऐसे स्लॉट रहेंगे, और बीच में क्या रहेगी, बीच में आपकी सॉफ्ट रहेगी, ये सॉफ्ट आपकी। अब ये तो थे स्लॉट, अब इसमें देखो इन स्लॉटों में क्या करेंगे, इन स्लॉटों में छड़ डालेंगे। मैंने बताया कि स्लॉट कैसे होंगे, गहरे होंगे। अब ये तो स्लॉट थी, इन स्लॉटों में क्या डालेंगे, छड़ डालेंगे। अब आप लोगों को पता है सिंगल केज में क्या छड़ थी, या तो एल्यूमिनियम की थी या फिर कॉपर की थी। यहाँ कॉपर की स्लॉट अपनी छड़ भी डाल सकते हैं और एल्यूमिनियम डाल सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो डबल जो केज थी उसमें कैसे डाली थी, यहाँ बाहर की जो परत थी उसमें आप लोगों ने पीतल की छड़ डाली थी, और अंदर की जो परत थी उसमें कॉपर की छड़ डाली थी। तो यहाँ इस प्रकार का प्रारूप लेंगे कि यहाँ कुछ पीतल रहे, यहाँ कुछ कॉपर रहे, और बीच में से दोनों का मिक्स रूप हो, इस प्रकार के स्लॉट डालेंगे। तो तीन कंडीशन, माना कि आपको स्लॉट दिखाता हूँ, जैसे एक छड़ ले लिया आप लोगों ने, ये छड़ ले लिया आप लोग, ऐसे ऐसे लंबी छड़ ले ली, यहाँ कुछ पीतल का प्रारूप रहेगा, ब्रास रहेगी, और यहाँ कुछ कॉपर रहेगा, और दोनों मिलेंगे, यहाँ पीतल आएगा, यहाँ कॉपर आएगा, यहाँ दोनों का प्रारूप, यहाँ कॉपर पीतल, मेरे कॉपर ये अपने पीतल मिक्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार की छड़ ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ छड़ी इसमें डालेंगे ऐसे, ये छड़ी इसमें मान लेते हैं डाल देता हूँ मैं, अब ये इसमें डाल देते हैं छड़ ऐसे, ये छड़ डाल दी इसमें। अब ये छड़ देखो कैसे हो, आपको दिखाता हूँ, ये स्लॉट की गहराई कैसे हो सकती है, ये कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। देखो यहाँ कुछ स्लॉट की गहराई ऐसी है, यहाँ कुछ लंबी भी हो सकती है, गहरी रहेंगे बस और कुछ नहीं, आपको इस प्रकार के स्लॉट भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ यहाँ ऐसे भी स्लॉट हो सकते हैं आपको, ठीक है ना। ये बाहर कहाँ कर रहेगा, अंदर स्लॉट हो सकते हैं। अब देखो मान लो यही स्लॉट है, इसमें मैंने छत डाल दी, ठीक है ना, छत डाल दी तो क्या रहेंगे, इसके तीन प्रारूप हो जाएंगे, एक तो देखो ऊपर का ये सारी ये हिस्सा, तो यहाँ तीन हिस्सों में बांट देता हूँ उसको, देखो मान लीजिए कि तीन हिस्सों में मैंने इसको बांट दिया, ये तीन हिस्सों में बांट दिया इसको, गौर से सुनना। अब तीन से एक तो ये हो गया, एक ये भाग होगा, एक ये होगा, माना कि स्लॉट है, इसमें छत डाल दी आप लोग, बार डाल दी इसमें आप लोगों ने, क्या डाल दी, बार डाल दी, ये ए हिस्सा ऊपर का हिस्सा है, ये सी हिस्सा नीचे का, बी हिस्सा बीच का, तीन हिस्सों में बांट दिया मैंने स्लॉट को। अब तीन हिस्सों में क्यों बांटा मैं आपको बताता हूं। देखो मोटर के स्टार्टिंग के समय स्लॉट की बात करें, गौर से सुना मेरी बात। अब इन स्लॉटों की देखो, यदि इस प्रकार यदि कुछ नीचे से सकड़ी होगी, ऊपर से चौड़ी होगी, तो इन स्लॉटों की गहराई भी होती है। स्लॉटों की गहराई कैसी होती है, 12:1 में इसकी गहराई होती है, 12:1 में स्लॉटों की गहराई होती है, कि स्लॉट की गहराई क्या होगी, 12:1 में होगी। अब मोटर की स्टार्टिंग के समय स्लॉट के नीचे का जो तल है, स्लॉट के नीचे का तल, ये देखो ये नीचे नीचे का तल बॉटम है, और ये टॉप है, और ये मीडियम है, ठीक है ना। याद रखना ये टॉप और ये मीडियम, मैं आपको प्रत्येक बात बताऊंगा कि ये इसमें क्या होगा वो बताऊंगा आपको, फिर आप समझोगे इसकी कार्य प्रणाली कैसे होगी, ठीक है ना। अब आप लोगों ने ये स्लॉट डाली, ये स्लॉट देखो ये स्लॉट डाली यहाँ, तो स्लॉट दोनों साइड से एंडरिंग के सहायता से शॉर्ट होंगी, वही कैसे सिंगल फेज की तरह, दोनों ये अपने सिंगल केज की दोनों तरफ से शॉर्ट होंगी। अब मान लीजिए इनको शॉर्ट कर दिया, अब शॉर्ट होते हैं या फिर छड़ों को दोनों साइड से एंडरिंग या बेल्डिंग या बेंजिंग की सहायता से उसको आपस में मिला दिया जाता है एंडरिंग की सहायता से। अब डीप बार केज की बात करता हूँ, ये बॉटम है ना, इस यही स्लॉट यहाँ पे, ये बॉटम है। डीप बार केज के नीचे की ओर, तल की ओर लीकेज रिएक्टेंस का मान अधिक होगा, लीकेज रिएक्टेंस अधिक होगा, क्योंकि ऊपर से तो, क्योंकि ये जो बीच में बार जो कोर लगा रखी है, इन कोर में ये कोर क्या करते हैं, ये कम रिएक्टेंस का मार्ग प्रदान करते हैं। तो लीकेज रिएक्टेंस कैसा होगा आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से लीकेज रिएक्टेंस, सबसे पहले यहाँ मान लेता हूँ ये लीकेज रिएक्टेंस यहाँ, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स कहाँ जाएगा, अब गौर से सुनो, चुंबकीय फ्लक्स यहाँ जाएगा इसे, एक एक छड़ की बात कर रहा था, चुंबकीय फ्लक्स ऐसे आ गया, फिर धीरे धीरे मोटर चलेगी, रोटर फ्रीक्वेंसी का माउंट डाउन होगा, तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स ऐसे आएगा यहाँ पे, गौर से सुनना, ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ आएगा, फिर लास्ट एंड में ये हिस्सा बटेगा, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स ऐसे आएगा। अब बताओ लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा यहाँ गया कि यहाँ गया, यहाँ आ गया, ऊपर से नीचे आते यहाँ, तो ये कह सकते हैं
कि डीप बार केज प्रेरण मोटर के जो छत डाल रखे हैं, गहरी छत डाल रखे हैं, उन गहरी छड़ों के नीचे नीचे तल की ओर, नीचे पेंदे की ओर लीकेज रिएक्टेंस अधिक होता है। यहाँ क्या होगा? लीकेज लीकेज रिएक्टेंस अधिक होगा, लीकेज रिएक्टेंस अधिक होगा कहाँ पे? नीचे तल की ओर होगा। अब लीकेज रिएक्टेंस अधिक होगा तो क्या होगा? वहाँ लीकेज जो फ्लक्स होगा वो अधिक होगा, लीकेज फ्लक्स भी अधिक होगा, लीकेज रिएक्टेंस अधिक चलाएगा। रिएक्टेंस क्या है? ये अपना एक्सल, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंस दो प्रकार के, एक एक्सल होता है, एक एक्सल यहाँ क्या है, एक्सल है, तो यहाँ एक्सल का मान अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ एक्सल का मान, यहाँ एक्सल कम है और यहाँ एक्सल अधिक होगा। ये एक्सल अधिक होगा, सुनना मेरी बात, एक्सल अधिक होगा तो क्या होगा? लीकेज फ्लक्स भी अधिक होगा। कहाँ पे? नीचे। लीकेज फ्लक्स भी अधिक होगा, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स का मान अधिक होगा, अधिक होगा, याद रखना मेरी बात, लीकेज फ्लक्स अधिक होगा। तो लीकेज देखो, रिएक्टेंस जहां अधिक होता है, मैंने आपको बताया कि धारा कहां प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित, धारा का मान कहां अधिक होता है? जहां एक्सल का मान कम होता है, जहां वाइंडिंग की बात करते हैं, तो चालक की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस लेंगे वाइंडिंग की, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की वाइंडिंग है। और धारा का मान कम कहां होगा? जहां एक्सल का मान, जहां एक्सल का मान अधिक होगा। अब देखो, यहां एक्सल कम है और यहां एक्सल अधिक है, लीकेज रिएक्टेंस अधिक है, तो धारा कहां जाएगी? धारा सबसे पहले यहां प्रवाहित होगी। तो मोटर की शुरुआत अवस्था में, याद करना मेरी बात, मोटर के स्टार्टिंग के दौरान, मोटर के स्टार्टिंग के दौरान आपको पता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। दो तीन वीडियो देख चुके हो आप, पांचवा वीडियो देख रहे हैं, मैंने आपको प्रत्येक वीडियो बताया है कि मोटर की स्थिर अवस्था में, अब माना कि आपने स्टेटर को सप्लाई दिया, स्टेटर में इस रोटर को रखा और स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी, तो क्या होगा? स्टेटर अपना घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा, वो इसको काटेगा इस वाइंडिंग को। तो सबसे पहले धारा कहाँ प्रवाहित होगी? बाहर के हिस्से में होगी, ये इस हिस्से में धारा, मैं तीन हिस्से बांटा, ये इस हिस्से में धारा प्रवाहित होगी, इस हिस्से में ये धारा, फिर धीरे धीरे, अब आपको पता है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में एफ आर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान एफ एस सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तो क्या होगा? एक्सल का मान यहाँ कम होगा और यहाँ अधिक होगा। कम होगा तो धारा कहाँ जाएगी? इस भाग में से, ऊपरी भाग, ऊपरी तल में से जाएगी। टोटल धारा का मान ऊपरी तल से, इसलिए कहते हैं छड़ के नीचे भाग में लीकेज रिएक्टेंस अधिक होने के कारण यहाँ धारा प्रवाह नहीं होगी। आई का मान यहाँ बिल्कुल लो होगा, लो का कम जीरो भी कह सकते हैं, और यहाँ आई का मान अधिक होगा। तो रोटर धारा सबसे अधिक कहाँ बहेगी? ऊपरी हिस्से में से बहेगी। रोटर धारा कहाँ होगी? ऊपरी हिस्से में से प्रवाहित होगी, क्योंकि नीचे तो लीकेज रिएक्टेंस अधिक है, रिएक्टेंस का मान अधिक है और यहाँ कम है, यहाँ से प्रवाहित होगी। और छड़ के ऊपर धारा में जो प्रवाहित होगी तो ये क्या करेगा? अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा ऊपरी भाग, और दो चुंबकीय फ्लक्स होंगे, रोटर घूम जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार रोटर वाइंडिंग में धारा बलपूर्वक, बलपूर्वक कहाँ स्थापित होगी? ऊपरी भाग में से प्रवाहित होगी। और धारा यदि बलपूर्वक ऊपरी भाग में से प्रवाहित होती है तो यहाँ पे धारा घनत्व बढ़ जाएगा, ऊपरी हिस्से में धारा घनत्व है, यहाँ फ्लक्स करंट डेंसिटी, धारा घनत्व बढ़ जाएगा, धारा घनत्व अधिक होगा, यह धारा घनत्व बढ़ जाएगा, जिसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब क्षेत्रफल कम होगा, गौर से सुना, क्षेत्रफल का मान क्या होगा? क्षेत्रफल का मान यह धारा घनत्व घटा देगी और इसका प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यहां पे क्षेत्रफल घटाएगी तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान, क्षेत्रफल घटेगा तो क्या होगा? आर का मान बढ़ जाएगा। ऊपरी हिस्से में से यहां आर का मान अधिक हो जाएगा, आर का मान बढ़ जाएगा, और आर का मान बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान, टीएस का मान अधिक होगा, टीएस उच्च होगा। इसलिए ये डीप बार केज उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि डबल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया था, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे देखो, जो मोटर अपनी गति पकड़ती है, कोशिश सुनना, जो मोटर गति पकड़ती है, धीरे धीरे गति पकड़ेगी, मोटर गति पकड़ेगी तो एफ आर का मान कम होगा। आप लोगों को पता है एफ आर का मान, मोटर जैसे माना कि एन आर का मान पहले जीरो था, एन आर जीरो थी तो एफ आर का मान क्या था? एफ आर का मान एफ एस के बराबर था, लेकिन एन आर धीरे धीरे बढ़ेगी, गौर से सुनना, एम आर बढ़ेगी, एन आर बढ़ती हुई रोटर गति बढ़ती है तो स्लिप का मान बढ़ता है, सॉरी स्लिप का मान घटता है, स्लिप का मान घटेगा, गौर से सुनना, रोटर गति बढ़ेगी, स्लिप का मान घटेगा, तो एफ आर का मान क्या होगा? एफ आर का मान भी वैसे घटेगा, एफ आर घटेगी, एफ आर का मान क्या होगा? एस गुणा एफ एस, एफ आर का मान हो जाएगा कि स्लिप घटेगी तो स्लिप के गुणनफल के, रोटर स्टेटर फ्रीक्वेंसी को स्लिप से गुणा कर देंगे तो उसका मान उसके बराबर हो जाएगा। अब एफ आर का मान माना कि कम होता है,
एफ आर का मान कम हो गया, क्योंकि मोटर चलेगी तो एफ आर का मान घटेगा, रोटरी फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा। तो आपको पता है कि एक्सएल बराबर क्या था, एक्सएल बराबर 2πfL। इसका मतलब ये है कि एक्सएल समानुपाती होता है एफ के। अब एफ किसका, एफ आर का, एफ आर का मान घट रहा है तो एक्सएल का मान घटेगा। एक्सएल का मान घटेगा कि नहीं घटेगा, एक्सएल का मान जो ही कम होगा, गौर से सुना बात, एक्सएल का मान जो ही कम होगा धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित, क्योंकि ये एक्सएल घटेगा, ये एक्सएल तो घट रहा है इससे अधिक है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस का मान भी कम है और यहाँ एक्सएल का मान धीरे धीरे धारा ऊपर हिस्से में से ऐसे प्रवाहित होने शुरू हो जाएगी, ऊपर हिस्से में से कम होती है, यहाँ धारा ऐसे आएगी, फिर नीचे चलेगी, फिर नीचे चलेगी, फिर इस हिस्से में से धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगी। एक्सएल का मान जो घटता है धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होकर छड़ के नीचे से हमेशा प्रवाहित होने लग जाती है, कब, जब मोटर गति पकड़ लेती है तब। अब क्या होगा, यहाँ आर का मान वैसे ही कम है, ठीक है ना, नीचे हिस्से का आर वैसे ही कम है, नीचे किसे में, निचले हिस्से में आर घट जाएगा, यहाँ पहले आर मतलब यहाँ में क्षेत्रफल का मान बढ़ा था ना, धारा घन तो बढ़ेगा, तो आर का मान बढ़ेगा, ये तो धीरे धीरे क्या होगा, आर का मान वैसे कम नीचे हिस्से की, मैंने आपको बताया नीचे हिस्सा कॉपर का होता है, अपने ब्रास का होता है, तो धारा का मान धीरे धीरे कम होता है, मोटर का रनिंग टार्क भी बना रहता है, क्योंकि आर का मान रनिंग अवस्था में आर कम होना चाहिए और स्टार्टिंग अवस्था में आर अधिक होना चाहिए। यहाँ स्टार्टिंग अवस्था में आर अधिक था और रनिंग अवस्था में आर का मान कम है, तो यहाँ क्या होगा, रनिंग टार्क भी बना रहेगा। इसलिए मोटर चलने के बाद धारा ऊपर से नीचे की ओर यहाँ आनी शुरू हो जाएगी, तो कहते हैं रनिंग अवस्था में, क्योंकि मोटर चलने के बाद क्या होगा, रनिंग अवस्था में एफ आर का मान, एफ सुन लो, एफ आर का मान घटेगा। एफ आर क्यों घटेगा, सबसे पहले बार रनिंग अवस्था में क्योंकि एन आर का मान बढ़ेगा, और एन आर का मान बढ़ेगा तो स्लिप का मान घटेगा, स्लिप का मान घटेगा तो एफ आर का मान घटेगा, और एफ आर का मान घटेगा तो देखो यहां लिख देता हूं, एफ आर का मान घटता है तो एक्सएल का मान घटता है, और एक्सएल का मान घटता है तो धारा का मान बढ़ता है, ये धारा कहां बढ़ेगी, एक्सएल यहां घटेगा, ठीक है ना, धारा घटेगी धारा बढ़ेगी तो निचले में से सीमा से धारा प्रवाहित होगी, और नीचे के हिस्से का क्या है, आर वैसे कम है और आर का मतलब रनिंग टार्क बना रहेगा, टी आर का मतलब रनिंग टार्क बना रहेगा। तो आप बोलो स्टार्टिंग टार्क भी अधिक हुआ और रनिंग टार्क भी कम हुआ, इसलिए कह सकते हैं डीप बार केज मोटर हाई स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर होती है। डीप बार केज मोटर हाई स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर होती है, जहां पहले से ही लोड स्थापित होता है वहां इस मोटर का प्रयोग किया जा सकता है। सेम टू सेम किसकी बात ही, डबल केज स्क्वायर, डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की भांति, इसलिए डबल स्क्वायर केज और ये अपने डीप बार स्क्वायर केज दोनों मोटरें हाई स्टार्टिंग टार्क वाली होती हैं। तो यहाँ क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है और स्टार्टिंग धारा का मान कम होता है, वो कितना होता है जो मोटर की कैलकुलेशन की गणना करेंगे तब बता देंगे। तो इस मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, लो स्टार्टिंग करंट और वह हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी डीप बार इंडक्शन मोटर। डीप बार केज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी छड़ स्लोट है वो गहराई से कटे होते हैं और छड़ भी गहराई से लंबी गहराई नुमा छड़ होती हैं, इसलिए इसको डीप बार केज कहते हैं। तो अब दूसरी मोटर क्यों पढ़ेंगे, वो भी हाई स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर है, लेकिन इन तीनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इंडक्शन मोटर पढ़ाई स्क्वायर की, इन तीनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर है कौन सी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, जिसके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना बनी ही रहती है, इस मोटर की संरचना कैसी होती है, इस मोटर का रोटर कैसा होता है, इस मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस मोटर की और विशेषताएं क्या होती हैं, स्क्वायर केज और स्लिप रिंग मोटर में अंतर क्या है, बहुत से प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो सब बातें आपको धीरे धीरे बताते थे हम आप लोगों को, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, नोट्स में ऐड करते रहिए, नोट्स अपडेट करते रहिए, ताकि ये आज की जो मेहनत है ये आगे निरिष्ट भविष्य में जो भी कभी आपकी एग्जाम आएगी तो आपके लिए बहुत कामगार सिद्ध होगी। आप लोग सोचोगे सर ने सही कहा था कि आज की मेहनत आगे काम आती है, ऑन द स्पॉट जो मेहनत की जाती है वो कभी काम नहीं आती है। स्टूडेंट अपने एक शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि धीरे धीरे मेहनत करते जाओ, एक दिन अचानक वो मेहनत आपके बिल्कुल जरूर काम आएगी, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस प्रकार पढ़ते चले जाओगे तो आपको वैसे ही आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। तो अब बताता हूँ आप लोगों को मैं इस स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, स्लिप रिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब देखो इस मोटर को किसके नाम से जानेंगे और क्यों स्लिप रिंग मोटर कहा गया, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले फिजिक्स की संरचना पढ़ाऊंगा, फिर कार्य प्रणाली बताता हूं आप लोगों को इस मोटर की। सबसे पहले आता है स्लिप रिंग, इसका मतलब एक चीज होगी कि यहां स्लिप रिंग प्रयोग की जाएंगी। एक मुद्दा के स्लिपिंग मोटर को स्लिपिंग मोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मोटर में स्लिपिंग होती है,
कितनी होंगी वो तुम आपको संरचना पढ़ाऊंगा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगी। लेकिन सबसे पहले बात आ गई कि यहाँ स्लिप रिंग होंगी, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सर्पिल वले, या क्या कहेंगे, सर्पिल वले। स्लिप रिंग को हिंदी में कहते हैं सर्पिल वलय, तीन फेज प्रेरण मोटर, क्या कहेंगे, सर्पिल वले तीन फेज प्रेरण मोटर, ये हिंदी शब्द है। अब इसको सर्पिल वले कहा गया तो आपको समझ में आ गई, और इस मोटर को किस नाम से जानते हैं। मैंने आपको मोटर का प्रकार पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया कि रोटर की संरचना के आधार पर मोटर का वर्गीकरण किया जाता है, किसके आधार पर, रोटर की संरचना के आधार पर। तो क्या रोटर की संरचना ऐसी सर्पिल वले जैसी है, नहीं है, बस एक ही है, मोटर के शाफ्ट में तीन स्लिप रिंग प्रयोग की गई थी इसलिए इसका नाम स्लिप रिंग मोटर रखा गया था। लेकिन रोटर की संरचना के आधार पर इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कला वेष्ठन, क्या कहेंगे, कला वेष्ठन, ठीक है ना, कला वेष्ठन मोटर, कला वेष्ठन रोटर मोटर, घूर्णक मोटर एक ही आता है। कला वेष्ठन को अंग्रेजी कहेंगे फेज बाउंड, फेज वाउंड रोटर मोटर, ये इसका नाम है उस रोटर की संरचना के आधार पर, फेज वाउंड रोटर मोटर, या कुंडलित घूर्णक उसको कहेंगे, फेज वाउंड का मतलब उसके वाइंडिंग की ये है, ठीक है ना। तो कुंडलित, कुंडलित याद रखना, कुंडलित घूर्णक मोटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना। ये आपके नाम है, ये तो थी स्लिपिंग की करने के प्रयोग करने के आधार पर, ये रोटर की संरचना के आधार पर ये इसका नाम है, किसके, स्लिपिंग मोटर के। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी संरचना कैसी है। देखो संरचना में आपको, आपको दो मुख्य भाग होते हैं, मैंने आपको स्टेटर होता है और रोटर होता है। स्टेटर आपको मैंने बताया था कि चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे सिंगल मेस मोटर हो, चाहे आपकी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर हो, चाहे डीप बार हो, चाहे डबल केज हो, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा सभी ऐसी मशीनों का स्टेटर समान होता है। तो क्या इसका अलग रहेगा, नहीं, आपके सामने वो मोटर भी आएगी, कौन सी, सिंक्रोनस मोटर आएगी, उसका भी स्टेटर इसकी भांति होता है। तो ऐसी मशीनें जो भी होंगी, ऐसी मशीनों में जैसे मोटर आ गई और अल्टरनेटर आ गया, ये जैसी भी होंगी उसका सबका स्टेटर समान रहेगा। तो इसका स्टेटर कैसा है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की भांति होता है, लिख लेना, इस स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का स्टेटर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की भांति होता है, लेकिन रोटर में जरूर अंतर होता है, क्योंकि रोटर के आधार पर तो मोटर का वर्गीकरण कर रहे हैं, रोटर में जरूर अंतर होता है। होता क्या है वो आपको दिखाता हूँ, स्टेटर के बारे में आप लोग, स्टेटर सेम टू सेम वैसा होता है। अब मैं रोटर के बताता हूँ कि रोटर कैसा होता है इसका, रोटर को क्या कहेंगे, घूर्णक कहते हैं हिंदी में। अब घूर्णक की चर्चा कर लेते हैं, घूर्णक वो होता है, देखो स्टेटर क्या है, स्थिर भाग है, घूर्णक घूमने वाला भाग होता है, स्थिर क्या होता है, स्थिर रखने वाला भाग होता है। अब आपको ये तो पता है कि मैंने शुरू में बताया कि इंडक्शन मोटर के रोटर को थ्री फेज सप्लाई या सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित नहीं किया जाता है, और स्टेटर को सप्लाई से संयोजित किया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस रोटर को सप्लाई से संयोजित तो नहीं करेंगे, लेकिन अब इसमें ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा, इस पर वाइंडिंग होगी। तो कह सकते हैं इस मोटर का रोटर किसका, स्लिपिंग मोटर का रोटर, स्लिपिंग मोटर का रोटर वाउंड रोटर होता है। वाउंड का मतलब फेज, ये फेज वाउंड रोटर होता है, फेज वाउंड का मतलब इसके ऊपर वाइंडिंग होती है। अब इस स्क्वायर केज में क्या देखा आप लोगों ने, वहां स्लॉट काटे थे और छड़ लगाई थी, छड़ को दोनों दिशा, उसके दोनों सिरे शॉर्ट किए थे, जिसको अपने एक रोटर वाइंडिंग के नाम से ऐसे जाना जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो वाइंडिंग करेंगे, किसकी, थ्री फेस वाइंडिंग करेंगे। अब आप लोगों को ये पता है रोटर पे वाइंडिंग होगी तो किस तार से होगी, सुपर इनामिल कॉपर वायर से वाइंडिंग स्थापित करेंगे। जिस प्रकार आप लोगों ने स्टेटर में वाइंडिंग की थी, स्टेटर में क्या था, वाइंडिंग होते थ्री फेस की, जो कि मैंने स्टेटर की संरचना पढ़ाई तब बता दिया था आप लोगों को। तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या कहेंगे कि इस रोटर पर थ्री फेज की वाइंडिंग होती है, जिसे वाउंड रोटर के नाम से जाना जाता है। क्या लिखेंगे, इस रोटर पर, इस रोटर या घूर्णक पर तीन फेज वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जिसे फेज वाउंड रोटर मोटर के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में, अब ये करना है कि तीन फेज की वाइंडिंग करनी है। अब तीन फेज की वाइंडिंग कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है प्रत्येक वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री का अंतर रखेंगे, 120 डिग्री के अंतर पर रहकर उसमें वाइंडिंग करेंगे, समझ गए बात। अब वाइंडिंग को किस प्रकार संयोजित करते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा स्टार या डेल्टा में कर सकते हैं। थ्री फेज मोटर पढ़ रहे हैं,
स्टेट में जो वाइंडिंग होगी उसको स्टार में भी संयोजित कर सकते हैं और डेल्टा में संयोजित कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे वो आप पॉलीफेज के चैप्टर में जाकर देखना, स्टार में डेल्टा क्या होता है, प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको पढ़ा रखा है। यदि वहाँ पर जाकर देखोगे तो कोई समस्या ही नहीं आएगी आप लोगों को। स्टार डेल्टा में पावर क्या होगी, फेज वोल्टेज क्या होगा और लाइन वोल्टेज क्या होगा, धारा क्या होगी, सब कुछ बता रखा मैंने आपको। वहाँ तक कि शक्ति के कैलकुलेशन बता रखे हैं, पावर के कैलकुलेशन कैसे होते हैं वो बता रखे हैं आप लोगों को, तो वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि स्टेटर पर थ्री फेज की वाइंडिंग होगी लेकिन रोटर पर भी थ्री फेज की वाइंडिंग होगी, रोटर पर भी थ्री फेज की वाइंडिंग होगी लेकिन स्टेटर की वाइंडिंग को तो आप लोगों ने स्टार में डेल्टा में संयोजित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रोटर की वाइंडिंग को सिर्फ ओनली स्टार में ही संयोजित किया जाता है। याद रखना, रोटर की वाइंडिंग को किस में करेंगे, ओनली स्टार में ही संयोजित करेंगे, समझ गए। यहाँ इस बस ये है कि यहाँ पे इस वाइंडिंग पे फेज माउंट रोटर कहते हैं, रोटर की वाइंडिंग स्टार में। अब बताता हूँ, देखो ये तो देखा नहीं आप लोगों ने इस घूर्ण की संरचना कैसी होती है, सेम टू सेम उस रोटर की भांति होती है। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का रोटर कैसा था आप लोगों को ध्यान होगा, वहां था सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को गोल करके बनाया गया था, बेलनाकार भाग था, ध्यान होगा आप लोग। मैं यहां डायग्राम बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, सिलिकॉन स्टील की बेलनाकार पत्तियों, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को मिलाकर बनाया गया था, तो ये ध्यान होगा कि इसका रोटर भी सिलिकॉन स्टील का ही होगा। स्टेटर कैसा था, वो भी सिलिकॉन स्टील का था, क्यों, यहाँ सप्लाई होती है, जहाँ सप्लाई जब आप लोग प्रवाहित करते हो या इंडक्शन के द्वारा या ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के द्वारा फैराडे के नियम अनुसार सप्लाई उत्पन्न होती है। यदि लोहे का भाग होगा तो लोहा हानियाँ जरूर होंगी, इसलिए लोहा हानियों को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का प्रयोग किया गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी संरचना, किस प्रकार इस रोटर की संरचना है और किस प्रकार वाइंडिंग स्थापित करते हैं, ठीक है, ये देख लेना आप लोग। अब देखो ये ऐसा मान लेते हैं, देखो ये दिखाता हूं आपको, क्या दिखाता हूं, रोटर दिखाता हूं, स्टेटर तो सबका समान ही है, ये आप लोगों को रोटर दिखा देता हूं मैं यहां पे, ये दिखा दिया। अब यहां से इसके साफ दिखा देता हूं आप लोगों को, ये दिखा दिया रोटर आप लोगों को, क्या है ये आप लोगों का रोटर कैसा है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। अब आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे होता है, इसके ऊपर साफ देखो ये स्लॉट कटे होते हैं, किसके स्लॉट कटे होते हैं, इस रोटर के ऊपर स्लॉट कटे होते हैं, ये काट दिए आप लोगों ने स्लॉट रोटर पर, रोटर की बाहर की परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं, सेम टू सेम आर्मेचर की ही भांति होता है। ऐसे मान लो कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर था उसकी भांति उस पर भी सेम टू सेम ये थे, ठीक है ना, उस पर भी सेम टू सेम यही कंडीशन थी, उस पर भी वाइंडिंग की गई थी। अब देखो ये आपका होगा रोटर कैसा है, बेलनाकार है, किसका है, ये पत्तियां तो आपको दिखाई मैंने, ये गोल पत्तियां हैं, गोल पत्तियों से एक 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 पत्तियों जोड़कर लंबा कर लिया इस पर, जैसे ये साफ्ट है आपको दिखा था फ्रेंड्स, साफ्ट है, यहाँ एक गोल पत्ती लगाई, यहाँ गोल एक पत्तियाँ एक जिसमें डालते गए डालते गए, फिर लंबा भाग कर लिया, फिर सारी पत्तियों को नट बोल्ट रिवेट के द्वारा टाइट कर दिया, उसकी बाहर की परिधि पर स्लॉट काट लिया आप लोगों ने, तो क्या कह सकते हैं ये सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों से बना होता है। ये भी इसके साइज कैसे होते हैं, बेलनाकार होती है, इसकी बाहर की परिधि पर किसके पर, इस रोटर की बाहर की परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट कैसे हैं ये क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है, ये आप लोगों के स्लॉट हैं, स्लॉट कटे हैं, स्लॉट को हिंदी में क्या कहते हैं, खांचे कहते हैं, खांचे। खांचे कितने प्रकार के होते हैं, डीसी जनरेटर के चैप्टर में बताया था आपको, ध्यान होगा तीन प्रकार के होते हैं, एक पूर्णतया बंद प्रकार का, एक आधा खुला आधा बंद प्रकार का, एक पूर्णतया ओपन होता है, पूर्णतया खुले प्रकार का होता है। यहाँ कैसे होंगे, आधा खुला आधा बंद प्रकार के स्लॉट होंगे। ये किसका होता है, सिलिकॉन स्टील की, लिख लो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है, पत्तियों का होता है, होगी सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का होता है। मैं एक पूरी बात बता रहा हूं लोगों को, ये देखो ये क्या है, ये स्लॉट है। अब आप लोग देखोगे ये क्या है, ये आपकी साफ्ट है, साफ्ट लिख दो, साफ्ट यहां लिख देता हूं, ये क्या है, साफ्ट आपकी। अब देखो आगे एक पॉइंट टू पॉइंट देखिए, क्योंकि वो रोटर ऐसा था स्क्वायर केज वाला, उसके तो परिधि पर होल काटे थे और रोड छड़ डाले थे, यहाँ छड़ नहीं है। अब इन शाफ्ट में क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे, देखो इन शाफ्ट में क्या करेंगे, वाइंडिंग स्थापित करेंगे, ये आपकी वाइंडिंग होगी स्थापित, देखो ये कर दी वाइंडिंग, मतलब कि यहां क्या करेंगे, थ्री फेज की वाइंडिंग स्थापित कर देंगे और कुछ नहीं है। वाइंडिंग स्थापित कैसे करेंगे, ये थ्री फेज की वाइंडिंग स्थापित कर देंगे यहां पे, बस
ये होगी वाइंडिंग। ये क्या है, तीन फेज वाइंडिंग है। किस में संयोजित होगी, मैंने आपको बताया था ये स्टार संयोजित होगी। ये क्या होगी, स्टार कनेक्टेड होगी। स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होगी। अब स्टार कैसे होता है कि तीन वाइंडिंग होंगी, तीनों वाइंडिंग के समान सिरे एक स्थान पर संयोजित करेंगे और वहां न्यूट्रल बिंदु निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, उन जो तीन सिरे बचेंगे उनको बाहर निकाल लेंगे। तीन सिरे निकलेंगे बाहर, कितने सिरे निकलेंगे, तीन सिरे, क्योंकि स्टार कनेक्टेड में तीन सिरे बाहर होते हैं, तीन सिरे और एक सिरा न्यूट्रल का होता है। तीन सिरे तो ये फेज के होते हैं, एक सिरा न्यूट्रल का होता है, तो यहां तीन सिरे निकलेंगे। मैं तीन स्लिप रिंग लगा देता हूं यहां पे, ये तीन स्लिप रिंग लगा दी यहाँ पे आप लोगों ने, कैसे लगा तीन। अब देखो एक तीनों सिरे को, तीनों सिरे को जोड़कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ से चलेंगे तीन सिरे, माना कि तीन सिरे बाहर निकले, एक सिरा यहाँ निकला, इसके साथ संयोजित कर दिया, ठीक है ना। दूसरा सिरा माना कि यहाँ से निकाल दिया और ये दूसरा सिरा इसके साथ संयोजित कर दिया। तीसरा सिरा यहाँ से निकाल दिया और ये कहाँ चला गया, इसके साथ संयोजित। तीनों सिरे को तीन स्लिप रिंग से जोड़ दिया, बस ये निकल और कुछ नहीं है। तीनों सिरों को तीन स्लिप रिंग से संयोजित कर देते हैं यहाँ पे, तीन सिरों को तीन स्लिप रिंग से संयोजित कर दिया। अब देखोगे कि और क्या होता है, तीनों स्लिप रिंग पर एक एक कार्बन ब्रुश होता है। तीनों स्लिप रिंग पर क्या होगा, एक एक कार्बन ब्रुश होगा। ये कार्बन ब्रुश लगा देता हूं, ये कार्बन ब्रुश लगा, तीनों स्लिप रिंग पर क्या लगाएंगे, एक एक कार्बन ब्रुश लगाएंगे। अब देखो आगे बात, तीन सिरे इसके और ऊपर क्या है, ये रोटर कहां होगा, ये रोटर स्टेटर पर होगा। ये रोटर कहां स्थापित होगा, स्टेटर के बीच में होगा, ये रोटर स्टेटर के बीच में होगा। तो छह सिरे तो होंगे क्योंकि वहां पे कितनी स्टेटर में कितनी वाइंडिंग है, स्टेटर में। अब आपको बताता हूं पॉइंट क्या आते हैं, देखो स्टेटर में कितने वाइंडिंग है, तीन फेज वाइंडिंग है, स्टेटर में तीन फेज वाइंडिंग है। अब तीन फेज वाइंडिंग है तो सिरे कितने होंगे, तीन फेज की तीन वाइंडिंग सिरे कितने होंगे, यहां पर स्टेटर से सिरे निकलेंगे छह, सिरे कितने आएंगे छह। रोटर भी उसके अंदर ही होता है, तो रोटर पर कितनी वाइंडिंग है, रोटर में, रोटर में वाइंडिंग है अपने पास, देखो एक वाइंडिंग है तीन फेज की वाइंडिंग, रोटर में भी तीन फेज की वाइंडिंग। यहाँ सिरे कितने निकले, यहाँ सिरे निकलेंगे तीन, क्योंकि स्टार कनेक्टेड है, यहाँ लिख देंगे स्टार कनेक्टेड, स्टार में है, स्टार में, तो तीन सिरे यहाँ निकलेंगे। सिरे कितने निकले यहाँ पे, तीन, तो टोटल कितने सिरे होगी, इसलिए पूछा जाएगा आपसे किसमें टोटल सिरे कितने होंगे, कि स्लिप रिंग इंडक्शन, थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कुल सिरों की संख्या कितनी होती है, नौ सिरे होते हैं, नौ सिरे होंगे। अब नौ सिरों की बात करेंगे, अब कहोगे देखो यहाँ से क्या इनको सप्लाई से संयोजित करेंगे, बिल्कुल नहीं, इसको सप्लाई से संयोजित नहीं किया जाता है। इसको स्लिप रिंग मोटर क्योंकि स्टेटर के शाफ्ट पे, सॉरी रोटर के शाफ्ट पे तीन स्लिप रिंग स्थापित किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तीन फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है, तीन फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है, तो स्लिप रिंग कितने हो गए, स्लिप रिंग हो गए यहाँ पे तीन, स्लिप रिंग कितने हैं तीन, नौ, तीन तीन संख्या स्लिप रिंग की है, नौ सिरे रहेंगे तीन। अब कार्बन ब्रुश कितने रहेंगे, कार्बन ब्रुश देख लो, कार्बन ब्रुश आप लोगों के रहेंगे तीन, तीन कार्बन, क्योंकि तीन स्लिप रिंग तीन कार्बन ब्रुश रहेंगे। अब काम क्या होगा आपको ये बताता हूँ आप लोगों को, तीन सिरे तीन कार्बन ब्रुश तीन स्लिप रिंग नौ सिरे, तीन सिरे रोटर के रहेंगे। अब देखो ये वाइंडिंग जो आप लोगों ने देखी किसकी, स्लिप रिंग मोटर में स्टेटर की वाइंडिंग कैसी थी और रोटर की वाइंडिंग कैसी थी, लगभग देखा जाए तो स्टेटर की वाइंडिंग भी स्टार में ही संयोजित होती है और रोटर की वाइंडिंग भी स्टार में ही संयोजित होती है, क्योंकि स्टेटर की वाइंडिंग को सीधा ही सप्लाई से संयोजित किया जाता है, उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो उसमें भी पहले मोटर को स्टार में संयोजित करते हैं फिर डेल्टा में संयोजित करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, सीधे डायरेक्ट ही सीधी सप्लाई दी जाती है। जैसे कि अब डेल्टा में तो सीधी सप्लाई दे नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं कि स्टेटर को भी स्टार में ही संयोजित किया जाता है, जैसे कि सीधे सप्लाई से संयोजित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो थी बात इसकी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेटर की वाइंडिंग कैसी होती है और रोटर की वाइंडिंग आप लोगों को दिखाता हूँ किस प्रकार इसके संयोजन होते हैं, गौर से सुनो मेरी बात। देखो स्टेटर की वाइंडिंग की बात करते हैं, ये मैं लिख देता हूँ स्टेटर की वाइंडिंग, ये तीन फेज की वाइंडिंग, मैं सिरे नो छह बाहर निकलेंगे, लेकिन बाहर संयोजित कैसे करेंगे, स्टार में संयोजित करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टार में संयोजित करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये किसकी वाइंडिंग है, ये स्टेटर की वाइंडिंग है, एक सिरा बाहर निकला ये निकला और एक सिरा बाहर ये निकला और एक सिरा बाहर ये निकल गया, छह सिरे थे, मैं छह सिरों को बाहर संयोजित करके दिखा देता हूँ। ये क्या आपका स्टेटर है, स्टेटर की वाइंडिंग किस में संयोजित होती है, स्टेटर की वाइंडिंग भी स्टार में ही संयोजित होती है। फिर आपको दिखाता हूँ रोटर की वाइंडिंग में, आपको रोटर की वाइंडिंग कैसे संयोजित होती है, ये भी स्टार में ही संयोजित होती है, ये रोटर की वाइंडिंग, ये
ये रोटर की वाइंडिंग रहेगी आपको, ये तो रोटर की वाइंडिंग। अब देखो पूछा जाएगा कि स्टेटर रोटर की वाइंडिंग किस में कनेक्टेड होती है, ये रोटर की वाइंडिंग, इसकी वाइंडिंग ये है। अब तीन सिरे बाहर निकाल दिए, तीनों सिरे कहाँ होंगे, स्लिप रिंग से संयोजित होंगे, तीनों सिरे कहाँ होंगे, स्लिप रिंग से संयोजित होंगे। यहाँ इसको सप्लाई दे देते हैं आर वाई और बी, तीन फेज डायरेक्ट सप्लाई क्या देंगे, थ्री फेज सप्लाई देंगे इसको, किससे, डी ओ एल स्टार्टर, मान लो डी ओ एल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन सप्लाई देंगे इसको, कोई कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं, डी ओ एल सप्लाई से इसको सप्लाई दे देंगे। ये घूर्णी चुंबक फ्लक्स करेगी, रोटर इसके अंदर पड़ा है, और ये क्या आ गई, यू वी डब्ल्यू, ये यू वी डब्ल्यू ऐसे वाइंडिंग होगी। और आपको बताता, देखो वाइंडिंग करने के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि वाइंडिंग क्या करती है, पोलों की संख्या बनाती है, पोल बनाएंगे। माना कि इस स्टेटर की वाइंडिंग में मोटर में आठ पोल बना दिए, क्या करेंगे, रोटर मोटर आठ पोल के, इसका मतलब स्टेटर में कितने पोल रहेंगे, आठ रहेंगे। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एग्जाम में आने के लगभग संभावना बनी रहती है। माना कि चार पोल हैं या चार पोल की मोटर है, तो चार पोल की मोटर कैसे कहेंगे, स्टेटर में पोलों की संख्या कितनी रहेगी, चार रहेगी। स्टेटर में पोलों की संख्या माना कि यहाँ कितना है, चार पोल हैं, तो रोटर की वाइंडिंग इस प्रकार से निर्धारित करेंगे, रोटर की वाइंडिंग इस प्रकार से निर्धारित करेंगे कि वो भी चार ही पोल बनाए, कितने रहेंगे, चार पोल ही रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं कि रोटर पर थ्री फेज की वाइंडिंग को इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि रोटर में पोलों की संख्या स्टेटर के पोलों की संख्या के बराबर हो। रोटर में पोलों की संख्या, यहाँ कितने पोल होने चाहिए, चार पोल स्टेटर में है तो यहाँ चार रहेंगे, आठ पोल स्टेटर में, तो इसी प्रकार यहाँ वाइंडिंग करेंगे इसमें भी आठ ही पोल बने, पोलो स्टेटर के पोलों की संख्या के बराबर हो। अब पूछा जाएगा सर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पोल आप लोगों ने छः बना दिए, छः पोल बना दिए, इस प्रकार वाइंडिंग की कि रोटर में कितने पोल बने, छः, स्टेटर में कितने हैं, चार, तो क्या होगा, रोटर में टार्क उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, यदि पोलों की संख्या अनबैलेंस होता है तो मोटर में टार्क उत्पन्न नहीं होगा, मोटर चल नहीं पाएगी, टार्क का मान जीरो होगा तो मोटर रुक जाएगी, मोटर नहीं चलेगी, तो क्या होगा, टार्क का मान जीरो होगा, टार्क बराबर जीरो, मोटर चल नहीं पाएगी, मोटर में टार्क का, अब कि कितने पोल होने चाहिए, यहाँ चार हैं तो यहाँ भी चार होंगे, तो ही मोटर टार्क उत्पन्न कर पाएगी और मोटर चल पाएगी, ठीक है ना। तो ये बातें लिख लेना यहाँ पे, ये बातें आपको मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई, काफ़ी बार परीक्षा में आ चुकी हैं, ठीक है ना, काफ़ी बार परीक्षा में आ चुकी हैं, मैं लिख भी देता हूँ, कोई बात नहीं है, कि रोटर पर लिखेंगे, रोटर पर तीन फेज वाइंडिंग इस प्रकार स्थापित की जाती है कि रोटर में स्टेटर पोल के बराबर पोल बनाती हो, ठीक है, ये तो बात इसकी, लेकिन दोनों रहेंगी स्टार में। यदि ऐसा नहीं होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो मोटर में टार्क बराबर जीरो होगा और मोटर चल नहीं पाएगी, मोटर नहीं चलेगी, ये आती इसकी बात। अब देखो आगे बताता हूँ क्या होता है, ये जो स्लिप रिंग लगाई इसका संयोजन कहाँ करेंगे, स्लिप रिंग में तीन कार्बन बुश लगाए, तीन स्लिप रिंग, इसका संयोजन कहाँ करेंगे कि मोटर इसके अंदर रखे और मोटर चालू हो जाए। अब देखो ये कह सकते हैं कि पूछा जाएगा कि रोटर वाइंडिंग में से जो तीन सिरे बाहर निकलते हैं, तीन खुले सिरे रहेंगे, एक सिरा तो कनेक्टेड होगा स्टार से, एक एक सिरा, तीन सिरे खुले बाहर रहेंगे, तो तीनों सिरों को लिख लो रोटर वाइंडिंग के, यहाँ रोटर वाइंडिंग के तीन खुले सिरे को तीन स्लिप रिंग से शाफ्ट पर स्थापित तीन स्लिप रिंग से संयोजित किया जाता है, तीन स्लिप रिंग से संयोजित किया जाता है, जो आप लोगों ने यहां कर रखा है, एक ये कर रखा है, कनेक्शन कर दिया तीनों के वाइंडिंग। अब तीनों स्लिप रिंग पर क्या रहेंगे, एक एक कार्बन बुश रहेंगे।
अब एक ही कार्बन में उसका संयोजन कहाँ करेंगे, अब आपको वो दिखाता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो अब बच गई, अब आएगी आपके सामने। यहां मैं उसको कनेक्शन दिखा देता हूँ, देखें यहाँ पे तीनों स्लिप रिंग के तीनों कार्बन ग्रुप्स को तीन फेज बाहरी प्रतिरोध से संयोजित करेंगे, तीन फेज बाहरी प्रतिरोध से संयोजित करेंगे। देख लो तीन फेज बाहरी प्रतिरोध में लगा देता हूं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, तीनों के संयोजन करेंगे यहां पे। तीनों के संयोजन कहां करेंगे, एक का संयोजन यहां करेंगे, एक का संयोजन यहां करेंगे और एक का संयोजन यहां करेंगे, बोल तीन, और तीनों के लास्ट सिरे यहां मिला देता हूं। और ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये क्या है, वेरिएबल, तीन फेज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये क्या है, तीन फेज वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं। अब आपको आगे इसकी प्रक्रिया बताता हूं। देखो माना कि यहां इस रोटर को तीन फेज स्टेटर में रखा, तीन फेज वाइंडिंग वाले स्टेटर में रखा, स्टेटर में रखा, स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई से संयोजित किया, इसने घूर्णी चुंबक के फ्लक्स स्थापित किया, इसको घूर्णी चुंबक के फ्लक्स, वो घूर्णी चुंबक के फ्लक्स कहाँ रहेगा, इसके चारों ओर घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा इसके चारों ओर, ठीक है ना, ऐसे घूमेगा इसके चारों ओर घूमेगा, ऐसे ऐसे इसके चारों ओर घूमेगा। अब वो घूमेगा, इसको काटेगा, रोटर वाइंडिंग को माना कि काटा उसने, रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हुआ, जब भी रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा, रोटर वाइंडिंग का सर्किट पूरा नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस रोटेटिंग, ये क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, इस सर्किट को पूरा यहाँ करते हैं इस रेजिस्टेंस के द्वारा। मैंने आपको बताया कि मोटर के शुरुआती अवस्था में जब रोटर रेजिस्टेंस का मान अधिकतम होता है तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान बहुत अधिक होता है, और ये अपने हाथ में हो गया, कितना भी रेजिस्टेंस यहाँ लगा लेंगे, रेजिस्टेंस लगा लिया। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ, देखो ये रेजिस्टेंस कहाँ संयोजित हुआ है, माना कि रोटर के वाइंडिंग स्टार में संयोजित, तीनों सिरे बाहर आ गए, तीन सिरे क्या है, बाहर आ गए। अब इनको संयोजित करके दिखाऊँ, देखो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगी आपके एक एक कार्बन, लिख देता हूँ यहाँ पे एक कार्बन ग्रुप, तो ये रहेगा स्लिप रिंग रहेगी, एक स्लिप रिंग ये होगी और एक स्लिप रिंग ये होगी। गौर से सुनना, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा, ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस ये लगा और एक रेजिस्टेंस ये लगा, तीनों के श्रेणी क्रम में, देखो तीनों के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा, इसका संयोजन मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है ना, और इसका संयोजन मैंने यहाँ कर दिया और इसका संयोजन मैंने यहाँ कर दिया, ये क्या है, ये आपकी स्लिप रिंग होगी, कार्बन ग्रुप्स होंगे। ये गौर से सुनना, ये एक तो ये आती है बात यहां पे, और तीनों को यहां पे शॉर्ट कर देंगे, ये फिर ऐसे नहीं करेंगे तो देखो यहां से बात आगे करता हूं। एक आपको किस तरह ऐसे नहीं है, आप लोगों को इस प्रकार करके दिखाओ, आप लोगों तो इस प्रकार करके दिखा देता हूं आपको मैं। यहां देखो यहां कैसे करेंगे, तीनों वाइंडिंग के तीन सिरे यहां संयोजित कर देता हूं, एक सिरा यहां संयोजित किया, एक सिरा यहां संयोजित किया और एक सिरा यहां संयोजित किया। अब गौर से सुनना, यहां एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस यहां लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस यहां लगाएंगे कार्बन ग्रुप की सहायता से, और ये लगा दिया, बोलो सेम टू सेम है। तो ये तीनों की तीनों रेजिस्टेंस तीनों वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में आ चुके हैं। तो क्या कह सकते हैं इस मोटर की कार्यप्रणाली, देखो जब स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होता है, ये घूर्णी चुंबक के फ्लक्स रोटर के वाइंडिंग को काटता है और रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, किसके द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया और फैराडे के चुंबक के प्रेरण के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न होता है। जब रोटर वाइंडिंग को भारी प्रतिरोध से की सहायता से शॉर्ट किया जाता है, भारी प्रतिरोध की सहायता से शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट कर दिया आप लोगों को, शॉर्ट किया जाता है तो रोटर वाइंडिंग में, एक रोटर वाइंडिंग में देखो यहाँ धारा कहाँ प्रवाहित होगी, रोटर वाइंडिंग में एक धारा, तो यहाँ ये तीन रोटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग में, स्लिप रिंग में, कार्बन ब्रश में और यहाँ रेजिस्टेंस में से धारा प्रवाहित होगी, तीन में से धारा प्रवाहित होगी, किसमें, रोटर वाइंडिंग में, स्लिप रिंग में, कार्बन ब्रश में और बाहरी प्रतिरोध, ये क्या है, बाहरी प्रतिरोध है, बाहरी प्रतिरोध है, धारा प्रवाहित होगी। जब तीन फेज प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित होती है, रोटर वाइंडिंग में से धारा प्रवाहित होती है तो रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिकतम है उस समय। देखो रोटर वाइंडिंग की तीनों किसमें संयोजित है, तीनों की तीनों यहां, इस स्लाइड को उठा के मैं यहां कर देता हूं, स्लाइड को उठा के यहां क्या, तीनों की मतलब रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या है, आर, रोटर वाइंडिंग रोटर के, मोटर के चालू अवस्था में, रनिंग अवस्था में, मोटर के स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग में रोटर वाइंडिंग का आर अधिक होता है, रोटर वाइंडिंग का आर अधिकतम होता है, ऊंच होता है, है कि नहीं ऊंच। जब मोटर रनिंग अवस्था में आते हैं, मोटर जब अपनी गति पकड़ती है, गति पकड़ती है, एक बात रखना, रनिंग होगा तो क्या होगा, टी एस का मान उच्चतम होगा, उच्चतम
होगा, याद रखना। मैं आपको वो टार्क पढ़ाऊँ तो बताऊँगा उच्चतम क्यों होगा, मोटर के स्टार्टिंग टार्क का मान उच्चतम होगा क्योंकि इस रोटर की प्रतिरोध सबसे उच्चतम है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। जब धीरे धीरे मोटर गति पकड़ती है तो बाहरी प्रतिरोध को धीरे धीरे हटाते जाते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। इस स्लाइड को उठा के ये स्लाइड थी यहाँ पे, इसको यहाँ करेंगे, फिर मोटर गति पकड़ती है, फिर इसको यहाँ करेंगे धीरे धीरे, फिर मोटर गति पकड़ती है, इसको यहाँ करेंगे लास्ट में, तो तीनों वाइंडिंग शॉर्ट होगी। अब क्या है, ये वाइंडिंग में रेजिस्टेंस तो हट चुका है क्योंकि स्लाइड यहाँ पे आ गई, रेजिस्टेंस हट चुका है, तो क्या होगा, ये वाइंडिंग बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है। तो आखिर में क्या करेंगे, कम करते हैं, आखिर में रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं और बाहरी प्रतिरोध R2 लिख देते हैं, R2 क्योंकि सेकंड प्रतिरोध ये है, जीरो कर देते हैं। बाहरी प्रतिरोध का मान जीरो, क्या मोटर वाइंडिंग शॉर्ट होगी। अब बताओ यहां तो सिर्फ एक्सल ही है, R का मान तो जीरो कर देंगे रनिंग अवस्था में जीरो किया। अब बताओ रनिंग अवस्था में R का मान जीरो होता है, रनिंग अवस्था में R का मान कम होता है तो रनिंग टार्क TR अधिकतम होता है, TR उच्च होता है, और इसका रनिंग टार्क भी ऊंच हुआ और स्टार्टिंग टार्क भी ऊंच हुआ, ठीक है ना। मोटर का स्टार्टिंग टार्क भी ऊंच हो गया और रनिंग टार्क भी ऊंच हो गया। जहां रोटर का प्रतिरोध अधिकतम होता है, आपको पता है रोटर का प्रतिरोध अधिकतम शुरुआती में है, मोटर देखो रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध ऊंच होता है शुरुआती अवस्था में क्योंकि पूरा प्रतिरोध जोड़ के रखते हैं, तो क्या स्टार्टिंग धारा का मान कम से कम होता है। क्या कहेंगे, IS बराबर क्या है, निम्न होगा उस समय। अब एक कंडीशन और आती है, देखो जो आप लोगों ने गौर से सुना, आप लोगों ने ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया क्योंकि इस रोटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस आपने इस श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया, तो उस समय मोटर की गति क्या होगी, मोटर की गति बहुत कम होगी, स्टार्टिंग टार्क अधिक होगा, मोटर की गति कम होगी, याद रखना बात, मोटर की गति क्या होगी इस समय, टार्क ऊंच होगा तो NR का मान क्या होगा, NR का मान निम्न होगा, NR का मान रोटर गति का मान या मोटर की गति कम से कम होगी, मोटर की गति कम से कम होगी, तो इसका कह सकते हैं कि भारी प्रतिरोध को रोटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित कर मोटर की गति को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए एक कंडीशन और आ गई कि इस भारी प्रतिरोध की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्वता क्या है, याद रखना बात, महत्व क्या आ गई, एक तो ये गति को नियंत्रित करता है वह स्टार्टिंग टार्क TS के मान को ऊंच करता है, दो बातें आ गई, TS के मान को ऊंच करता है। तो बताओ इस मोटर की गति क्या नियंत्रित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इस मोटर की गति को, क्यों, रोटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस संयोजित कर आप अपनी आवश्यकता अनुसार गति प्राप्त कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, अब इस कंडीशन में दो चीज आपके सामने आएंगी, तो यदि उच्च लोड पर मोटर को चलाना हो, क्योंकि लोड स्टार्टिंग टार्क अधिक होगा, उच्च लोड पर मोटर को चलाना हो तो उच्च प्रतिरोध के साथ संयोजित करना चाहिए, मोटर को उच्च प्रतिरोध के साथ यहाँ प्रतिरोध संयोजित कर देना चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ कुछ बातें आपको मिटा के लिखा देता हूँ इसके बारे में, देखो मैं बस कुछ नहीं बचा यहाँ पे, यदि उच्च लोड के साथ क्या करेंगे, उच्च आर पर प्रचालित करना चाहिए। एक तो चीज यह आती है, दूसरी बात यहां पे है, निम्न भार पर मोटर को निम्न आर के साथ चलाना चाहिए। एक बात आ गई, इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस ही लोड को वहन करेगा, ठीक है ना। अब देखो बात आते, मोटर चल जाती है तो आपको पता है कि R2 बढ़ाएंगे, देखो यहाँ क्या होगा, R2 ये क्या है, ये सेकंड आर है, गौर से सुना R2 के मान को बढ़ाया, स्टार्टिंग टार्क TS का मान बढ़ेगा,
क्वेश्चन में आपको था टी एस का मान बढ़ेगा और आई एस का मान स्टार्टिंग धारा का मान घटेगा। दो बातें आपके सामने आएंगी। निम्न लोड पर क्या होगा, आर टू का मान घटाएंगे क्योंकि निम्न लोड पर लोड के आर टू इस रेजिस्टेंस को कम करेंगे। निम्न लोड पर आर टू का मान घटाएंगे, टी एस का मान किसका, टी एस स्टार्टिंग टार का मान घटेगा और आई एस का मान बढ़ेगा। यह आप लोगों को डिपेंड करता है कैसे मोटर चला जाती है, ठीक है ना। अब आर टू के मान को बढ़ाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन सुनना, आर टू के मान को बढ़ाओगे तो क्या होगा, गति का मान कम होगा। आर टू के मान को शुरू में बढ़ाएंगे, वो आपको संबंध बता रहा हूँ, आर टू के मान को बढ़ाएंगे, आर टू मतलब इसको रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाए तो गति कम होगी। आर टू के मान को बढ़ाएंगे, स्लिप का मान क्या होगा, बढ़ेगा। स्लिप का मान बढ़ेगा तो एन आर का मान, एन क्या होगी, घटेगी। एन का मान कम हो जाएगा, एन का मतलब गति कम हो जाएगी और दक्षता कम हो जाएगी, दक्षता भी कम होगी। दक्षता कम क्यों होगी, क्योंकि आर टू बढ़ेगा तो कॉपर हानियां बढ़ जाएंगी। पूछा जाए दक्षता कम क्यों हुई, दक्षता कम हुई कि रोटर में तांबर हानियां, किसमें, रोटर तांबर हानियां, रोटर डब्ल्यू सी, रोटर में कॉपर लॉस अधिक होगा आर टू बढ़ाएंगे तो, कॉपर लॉस अधिक होगा तो दक्षता अपना भी कम हो जाएगी, दक्षता कम हो जाएगी। ये तो थी बात यहाँ पे। अब तो एक चीज निष्कर्ष निकल के आ गई, ये कह सकते हैं कि आर टू रोटर रेजिस्टेंस या बाहरी प्रतिरोध की सहायता से मोटर की गति को परिवर्तित किया जा सकता है। एक चीज आ गई, रोटर में भारी प्रतिरोध आर टू को संयोजित कर स्टार्टिंग टार्क के मान को बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब मोटर के काम हो गए दो, मोटर की गति को परिवर्तित करना और स्टार्टिंग टार्क के मान को बढ़ाना, ठीक है ना। यदि दोनों की गति बराबर कर देंगे, एन आर का मान एन एस के बराबर कर देंगे तो क्या होगा, मोटर में रोटर के ई एम एफ का मान शून्य हो जाएगा और रोटर में ई एम एफ का मान शून्य होगा तो कोई लोड स्थापित नहीं होगा। मोटर में फ्रीक्वेंसी का मान भी जीरो हो जाएगा, लोड स्थापित नहीं होगा। इसलिए नोट लगाने वाली बात आ गई कि मोटर की गति को कितना तक कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी गति तक परिवर्तित किया जा सकता है, वो चीज लिख लो कि मोटर की गति को निर्धारित गति से, लिख लो मोटर की गति को निर्धारित गति से 50% से 100% तक परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है इंडक्शन मोटर में किस मोटर की गति को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, स्लिपिंग मोटर की गति को आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, एक बात आती है। दूसरी बात आती है कितना तक परिवर्तित करेंगे, 50% से 100%, 100% तो ऊपर है ना, उसे कम कर लेंगे। कम कितने की, जैसे मोटर की गति 2000 RPM है या 3000 RPM है तो 1500, क्योंकि 50% कितनी आ गई, 1500 से 3000 RPM के बीच इसको कंट्रोल कर सकते हैं, 1500 से नीचे नहीं कर सकते, 1500 से नीचे इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो थी आपकी विशेषताएं। अब कुछ इसके प्रयोग बच गए, किसका प्रयोग कहाँ करते हैं, देखो उच्च प्रारंभिक भार हाई स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए व मोटर की गति को परिवर्तित करने के लिए इस मोटर का प्रयोग करते हैं। गति को परिवर्तित करने के लिए और हाई स्टार्टिंग टार्क उच्च प्रारंभिक भार प्राप्त करने के लिए इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहाँ करेंगे, जैसे आपको तो कंप्रेसर में करते हैं, कंप्रेसर में हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता है, कंप्रेसर है, कन्वेयर है और क्रेन है और होयस्ट आ गई, स्टील आ गई, स्टील मिल आ गई, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, लिख लो मैं लिखा देता हूँ। और कौन से हैं, जैसे आप लोग ये कंप्रेसर आएगा आपके सामने, कंप्रेसर में कर सकते हैं, कन्वेयर में कर सकते हैं और क्रेन में कर सकते हैं, होयस्ट में कर सकते हैं, स्टील मिल में कर सकते हैं और ऐसा लगे कि हाई स्टार्टिंग, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ स्पीड की मतलब कि स्पीड की प्रवृत्ति गति की आवश्यकता और हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता थी है, वहाँ इस मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थे आपके चार इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर मैंने आपको बताई। यहाँ यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आपके मन में कोई विचार हो, आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो भी विचार हो वो कमेंट्स में लिख देना कि सर हमें समझ में नहीं आया, और किसी प्रकार की कोई शंका हो या फिर एक्स्ट्रा और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू, धन्यवाद।